जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली में देव दीपावली पर दीप जलाओ उत्सव मनाया गया। राजधानी दिल्ली में कल जगह जगह देव दीपावली का पर्व मनाया गया। दिल्ली के रानी बाग के श्रीनगर रामलीला मैदान में भी देव दीपावली पर्व पर दीप जलाओ उत्सव मनाते देखा गया। इस उत्सव में भाजपा नेत्री रेखा गुप्ता ने जनमत की पुकार के माध्यम से सभी को गुरुपुरब कार्तिक गुरु पूर्णिमा देव दीपावली की हार्दिक बधाई दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं अभी मौजूद हूँ श्रीनगर महिंद्रा पार्क के रामलीला मैदान में, जहाँ पर देव दिवाली मनाई जा रही है। देख रहे हैं देव दिवाली, काफ़ी संख्या में यहाँ पे दिए जलाए गए हैं और यहाँ पे रंगोलियाँ भी बनाई गई है और गौ माता का चित्र पर यहाँ पे मनाया गया है दिवाली और दिए जलाए गए हैं। आइए, हम यहाँ पे पहुँची हैं मुख्य अतिथि के रूप में, पहुँची हैं यहाँ पर रेखा गुप्ता जी पहुँची हैं। इस अवसर पर क्या कहेंगे? अद्भुत, बहुत ही सुंदर। आज की ये देव दीपावली, जो काशी की देव दीपावली मशहूर है पूरे विश्व में, जहाँ देवता लोग स्वयं आकर के दिवाली मनाते हैं, शायद दिल्ली के लोग उस अनुभव को तो महसूस नहीं कर सकते, परंतु इस तरीके का जो आयोजन आज यहाँ पर हो रहा है, उससे अपने मन में एक संतुष्टि, एक स्नेह का भाव कि हाँ, हमारे देश की जो ये संस्कृति है उसमें देव दीपावली का जो महत्व है, आज इतना सुंदर आयोजन देख करके बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है। बहुत बधाई देती हूँ मैं पूरी टीम को इस आयोजन पर, और देव दीपावली की सबको मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। रेखा जी, दिल्ली वालों को सांस लेना दूभर हो गया है, बारिश भी आ गई है। अभी बारिश आ गई है तो शायद पॉल्यूशन कम होगा और हम सांस ले पाएंगे। धन्यवाद। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे दिवाली सजाई गई है। कैमरामैन से चाहूँगा पूरा दिखाए आपको दृश्य, बहुत ही विहंगम दृश्य है ये, बहुत ही विहंगम दृश्य है। गाय माता की तस्वीर बनाई गई है ये दीपावली के माध्यम से। देख सकते हैं यहाँ पे कैसे महिलाएं, सारे बच्चे और यहाँ के आसपास के लोग, यहाँ पे लोग दिए सजा रहे हैं इस पर। और आइए हम इनसे बातचीत करते हैं, मैत्री एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन के दीपक मेहरा जी से। दीपक मेहरा जी, ये क्या दिखाने की कोशिश की है आपने? सभी को नमस्कार। और हम लोग देव दीपावली जो है काफ़ी वर्षों से यहाँ मना रहे हैं। आपको पता होगा कि वाराणसी जो है इस देव दीपावली के लिए मशहूर है, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि वाराणसी क्यों, देवताओं का आगमन तो दिल्ली में भी होना चाहिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो दिल्ली के अंदर है, तो इसलिए भगवान देवताओं का स्वागत और भगवान विष्णु का स्वागत जो है हम लोग इस देव दीपावली में कर रहे हैं। और उसमें और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण तब है कि हम लोग उसके साथ में गौ माता को जोड़ते हैं। गाय माता जो है वह हम सभी को पता है कि इन हमारे जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें देवताओं और राक्षसों में सब चीज़ें बटी, लेकिन एक सिर्फ ऋषि मुनि ऐसे थे जिनके पास में कामधेनु गाय गई, तो कामधेनु गाय जो है उसी की वजह से हमारे शरीर को बहुत सारे गुण मिले हैं। तो ऐसे ही गुणों को हम लोग अपने में स्वीकार करते हैं और आज का दिन जो है देव दीपावली का, हम लोग चाह रहे हैं कि भाई आप सभी लोग गाय माता को, हम लोग वैसे तो विश्व माता है, हर व्यक्ति के अंदर उस गाय के गुण विद्यमान है, लेकिन जो ये हम लोगों ने सबसे पहले तो अपने राष्ट्र से शुरू करें ना, तो हम लोग अब चाहते हैं कि अपने जो हमारी सरकार है कि सबसे पहले तो वो इस गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करे। इसी पैगाम के साथ में, इसी मैसेज के साथ में हम लोगों ने आज ये पूरी गाय बनाई है और गाय के साथ में हमारे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे हम लोग अपने संस्कार, हमारी शिक्षा, हमारे कर्तव्य कर्म, हमारी ज्ञान वैराग्य, ये सभी कुछ देने वाली जो हमारी गाय माता है, तो ऐसे ही गाय माता को हम प्रणाम भी करते हैं। और हम लोग सभी अपने जितने भी राज्य हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, सबसे हमारी यही अपील है कि वो जल्द से जल्द हमारी सरकारों को ये निवेदन करें और सब लोग लिखित रूप में भी दें कि कैसे गाय माता को राष्ट्र माता घोषित किया जल्दी से जल्दी। दीपक मेहरा जी, अगर हम बात करें तो इसकी तैयारियां कैसे कर ली थी आपने? मुझे लगता है काफ़ी संख्या में दीप जो है दिए, काफ़ी संख्या में है यहाँ पे, कितने तेल लगे, कितने दिए लगे और कितने दिए, कितना समय लगा ये सब सजाने में? करीब हम लोग 3 दिन से तैयारी कर रहे हैं। ये पार्क का बहुत बुरा हाल है। एक तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि इस पार्क का किसी तरह से अगर हमारे नेताओं तक ये बात पहुँचे कि इस पार्क का उद्धार करते हैं। हम लोगों ने अपने पैसों से ही पूरा पार्क साफ भी कराया, इसके अंदर काफ़ी कुछ काम भी कराया। उसके बाद में आज सुबह से हमारे एक पीडी जी यहाँ पर नहीं है, उन्होंने ये पूरा
गाय का चित्र यहाँ बनाया है और बाकी हम लोगों ने जो मैसेज किया है वो लिखा, उसके बाद में हमारी बहुत सारी महिला मंडल जो हैं वो इसमें जुड़ी हुई हैं और उस महिला मंडल ने भी इसको पूरा का पूरा तैयार करने में, दीपक जलाने में बहुत योगदान दिया है। सुबह से हमारे अजय जी, संजय जी, मोनू जी और वासुदेव जी, नितिन जी, अमित जी और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो सुबह से पूरी टीम यहाँ लगी हुई है और इसको पूरा तैयार करने के अंदर करीब करीब हम लोग सुबह 9 बजे से लेके अभी तक लगे हुए थे और लगातार इसके अंदर अभी भी दीपक लोग जला रहे हैं और इसकी शुभकामनाओं के साथ में हम लोग कि सभी के लिए देव दीपावली शुभ हो, इसी कामनाओं के साथ में हम लोग सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। तो देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे महिलाएं, बच्चे दिए जला रही हैं, रंगोलियाँ बनाई हैं और कहने के देव दिवाली के दिन भगवान विष्णु जगे थे और यहाँ पर काफ़ी संख्या में देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पे गाय गौ माता बनाए गए। और आइए हम इनसे बातचीत करते हैं, आपका परिचय। मेरा नाम अंजलि मलिक है और मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और मैं गाय के ऊपर ही बहुत टाइम से काम कर रही हूँ, गौ माता के ऊपर, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हमारी गाय माता जो देसी गाय माता है वो तभी चलेगी जब वो कमर्शियल अवेलेबल होगी, क्योंकि जब तक हम उसको पालना शुरू नहीं करेंगे, और हम तब पालेंगे जब हम उससे पैसा कमाएंगे, तो जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक नहीं चलेगी। तो मैंने गाय के ऊपर जितना गाय के गोबर और गौमूत्र सामान बन सकता है सब कुछ बनाया, मतलब अगर फिनाइल से लेके कमरा तक बना दिया मैंने, ईंटें भी उसमें गाय के गोबर की हैं, फर्श भी गाय के गोबर का, पेंट भी गाय का, सब कुछ गाय का, तो एक एक चीज़ मैंने बनाई है, मंजन पेस्ट हर चीज़ जो बना सकते हैं गाय के गोबर और गौमूत्र से, सब कुछ। और खेती भी करती हूँ वो भी गाय के गोबर से, तो सारे फर्टिलाइज़र भी, सारे पेस्टिसाइड भी, सब गाय का गोबर और गौमूत्र से। अगर बात की जाती है तो एक देसी गाय और एक जर्सी गाय की कही जाती है, तो लोग कहते हैं देसी गाय का दूध पीना चाहिए, जर्सी गाय का दूध नहीं पीना चाहिए, क्या अंतर होता है, आपने इस पर रिसर्च की? देखिए, सबसे पहली बात है कि जर्सी गाय गाय नहीं है। अगर हम एक बात मानते हैं कि देसी गाय ही गाय है, जर्सी गाय को हम पूतना कहते हैं, तो वो सिर्फ हमें मारने के लिए आई है, उसका दूध दूध नहीं है, उसमें BSM आपका 7 है, जो कि आपको की बॉडी को बहुत नुकसान करता है और बहुत सारी बीमारियों को हम न्योता दे देते हैं, जो आपको दिख रही हैं आजकल छोटी छोटी हार्ट अटैक, अर्थराइट्स, आपका BP, शुगर, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो वो दूध को हम दूध ही नहीं मानते। जब वो गाय नहीं है तो दूध कहाँ से उसका हो जाएगा, तो जो चीज़ है वो सिर्फ हमारी देसी गाय है और वही हमारी गाय है, बस उसी को हम गाय मानते हैं। आइए हम देखते हैं किस तरीके से थाली में सजाई हुई है दिए, क्या मैसेज देना चाहती है दिए के माध्यम से? देखिए, 15 दिन बाद दिवाली के जो है देव दीपावली आती है और कार्तिक के जो 15 दिन बाद ये पूर्णमासी आती है, इस पे देव दीपावली मनाई जाती है। और कहा जाता है कि आज जो गंगा के किनारे देवी देवता धरती पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं, इस बार काशी में तो ये रूप देखने का अलग ही है, लेकिन हमारी संस्था जो कि मैत्री संस्था और दीपक मेहरा जी का मैं बड़े दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि ये उन्हीं का प्रयास है। ये देव दीपावली हम कई वर्षों से महेंद्र पार्क रामलीला ग्राउंड में मनाते हैं और जो हमारे जयसवाल जी हैं इनका भी धन्यवाद, क्योंकि ये सूचना ये पूरी देश तक पहुँचाते हैं, हर जगह तक हमारे कार्यक्रम पहुँचते हैं, तो जयसवाल जी का धन्यवाद। और जिस तरह से देव ये दीपों की रोशनी में ये सारा जगमग हो रहा है, इसी तरह हमारे जीवन में भी अंधकार दूर हो। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।